ही विकास में अग्रसर सरकार, जनगण मन के हुए सपने अब साकार। अब हम जैसे युवाओं को टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि उत्तराखंड सरकार के मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के जरिए हम युवाओं को रोजगार से जोड़ा जा रहा है। अलग अलग विभागों में चलाई जा रही अन्य रोजगार योजनाओं का लाभ देने के लिए अब एक ही जगह पर कैंप लगाकर सारी औपचारिकताएं पूरी की जा रही है। इसके साथ ही नैनो उद्यम जैसे सिलाई बुनाई फल सब्जी विक्रेता, ऐसे लोगों को भी सरकार वित्तीय अनुदान दे रही है। धामी जी की सरकार ने कोरोना काल में प्रभावित हुई भर्ती प्रक्रियाओं में बड़ी राहत देते हुए समूह गा और खा के पदों पर आयु सीमा में एक वर्ष की छूट दी है। और यही नहीं, मार्च 2022 तक होने वाली भर्ती परीक्षाओं में लिया जाने वाला शुल्क भी धामी जी ने अब माफ कर दिया है। वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना के तहत दी जाने वाली सब्सिडी को बढ़ाया जा रहा है। अब स्टार्टअप के लिए भी सरकार युवाओं को सहूलियत दे रही है। श्रीनगर हल्द्वानी और देहरादून के मेडिकल कॉलेजों में 501 पदों को सृजित किया गया है और इसी के साथ ही राजकीय नर्सिंग कॉलेज बाजपुर में 70 पदों की स्वीकृति दे दी गई है। उत्तराखंड में लगभग 22,000 से 24,000 रिक्त पदों और बैकलॉग के साथ ही समस्त रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। अब मिलेगा हमें रोजगार का अधिकार। युवाओं के संग है हम, उत्तराखंड है हम।